लायंस क्लब खरगोन सिटी द्वारा 3 दिवसीय रोजगार उन्मुखीकरण प्रशिक्षण का आयोजन माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 10 खरगोन नर्मदा नगर में किया गया, जहां 115 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। लाइफ लाइक कंपनी की प्रशिक्षक श्रीमती रचना सोलंकी द्वारा बंदेज एवं बांधनी कला, साथ ही घरों में अनुपयोगी वस्तुओं से सजावटी सामान बनाना एवं कार्डबोर्ड से विभिन्न सुंदर आकृतियां बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया। लायंस क्लब खरगोन सिटी की अध्यक्ष एवं जोन चेयरपर्सन श्रीमती क्षमा मिश्रा ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चे अपने घरों में अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी एवं सजावटी वस्तुओं का निर्माण कर सकते हैं एवं विशेष शुभ अवसरों पर अपने प्रियजनों एवं दोस्तों को सप्रेम भेंट कर सकते हैं एवं सेल भी कर सकते हैं। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। ये बंदेज है, आप इससे रोजगार भी प्राप्त कर सकते हो बड़े होने पे। जब आप बड़े हो गए, आपके पास कोई मतलब कुछ रहे, अगर नहीं जॉब लगी या कुछ नहीं हुआ, तो आप ये आराम से कर सकते हो। आप इसको अपने रोजगार में बदल सकते हो। आप तरह तरह की टी शर्ट्स हैं, तरह तरह की डिज़ाइनें हैं, तरह तरह का बंदेज है, अलग अलग तरह का बंदेज कर सकते हैं। ये गुजरात का और राजस्थान, गुजरात में भी होता है और राजस्थान में भी होता है, है ना। पर्दे हैं, ड्रेस मटेरियल है, जो भी ड्रेस मटेरियल है, आप उससे भी इसको कर सकते हो। ये तो वो दिखेगा नहीं, और इसको अपने हिसाब से दे सकते हो आप। तुरंत दूसरा कोट मत करिएगा, नहीं तो वो आपका शेप कलर नहीं आएगा, क्योंकि वो गीला ही है और आप गीले पे ही करते जा रहे हो। तो एक बार अच्छे से सूखने देना और इसको अच्छा सूखने देना, उसके बाद ही इसको कलर करना, तभी ये पेस्ट हो पाएगा। नहीं तो ये ऐसे जैसे ये बार बार निकल रहा है, ये निकलता रहेगा, क्योंकि ये गीला है, गीले पे ही मैंने काम किया था, तो ये बार बार निकल रहा है। आप गीले पे काम करोगे तो बार बार निकलेगा, इसलिए पहले इसको अच्छे से सूखने देना एक एक रात के लिए। मैंने आपको क्या बताया था कि पहले नीचे वाला पेस्ट बना के और ये दियों को दोनों को सेट करके एक रात के लिए पूरा छोड़ देना, भले आप 2 दिन छोड़ देना इसको। और धूप अब तो अच्छी निकल रही है, आप एक दिन पूरा दिन उसको धूप में छोड़ दीजिए। खरगोन सिटी के माध्यम से माध्यमिक विद्यालय क्रमांक 10 नर्मदा नगर में 115 बच्चों को 3 दिवसीय रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण लाइफ कंपनी के माध्यम से श्रीमती रचना सोलंकी जी द्वारा दिया गया। इस प्रशिक्षण को रखने का उद्देश्य यही था कि बच्चे इस प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार प्राप्त करेंगे, और साथ ही हमारे घरों में कई ऐसी बेकार वस्तुएं होती है या अनुपयोगी वस्तुएं होती है, या तो कबाड़े को बेच दी जाती है या एक कोने में पड़ी रहती है। हम इन वस्तुओं के को बहुत अच्छे आकर्षक वस्तुएं बना सकते हैं और उनको अपने प्रियजनों को या दोस्तों को विशेष शुभ अवसरों पर संप्रेरण भेंट भी कर सकते हैं, साथ ही सेल भी कर सकते हैं। बांधनी और बंदेज कला के माध्यम से बच्चों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया और वे भविष्य में इस प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं लायन श्रीमती क्षमा मिश्रा, लायंस क्लब अध्यक्ष, खरगोन सिटी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।